हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चेक इफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यस बैंक के यस प्रोस्पेरिटी कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। जैसा कि इसके नाम में ही है कैशबैक, तो जिससे हमें यह समझ आता है कि इस क्रेडिट कार्ड में हमें मिलता है कैशबैक। तो आइए समझते हैं इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो आइए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और इसके बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड में सबसे पहले आपको वेलकम बेनिफिट मिलता है, जिसमें कि आपको 250 रुपये का कैशबैक मिलता है अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कार्ड इशू होने के मतलब कार्ड सेटअप के 30 दिनों के अंदर अंदर 2500 रुपये का ट्रांजेक्शन करते हैं, 2500 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 250 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में आपको जो कैशबैक मिलता है, ये जैसे मैंने बताया कि इसके नाम में ये कैशबैक, तो इसमें कैशबैक आपको मिलेगा। तो मूवी टिकट परचेस करने पे, मूवी टिकट बुक करने पे आपको जो है 5% कैशबैक मिलता है, लेकिन इसमें कैपिंग है और कैपिंग ये है कि आपको महीने में 100 रुपये तक का ही कैशबैक मिलेगा और वो भी आपको मिनिमम 500 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है, मिनिमम 500 रुपये स्पेंड होने चाहिए आपके क्रेडिट कार्ड से जब आप मूवी टिकट बुक कर रहे हो, तब आपको जो कैशबैक मिलेगा 5%। इसके अलावा इसी तरह से आपको जो है ग्रोसरी शॉपिंग पर भी 5% कैशबैक मिलता है, तो इसमें भी वही शर्त है, वही कैपिंग है कि आपको सबसे पहले तो कम से कम 500 रुपये का ट्रांजेक्शन करना है और आपको जो है महीने में 100 रुपये तक का ही कैशबैक मिलेगा। ये लिमिट लगा दी गई है, तो आप 100 रुपये से ज़्यादा महीने में कैशबैक नहीं ले सकते हैं। तो दोनों पर ही आपको 100-100 रुपये तक का महीने में कैशबैक मिलता है, इससे ज़्यादा का नहीं ले सकते हैं आप। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड से दूसरे ट्रांजेक्शन पर आपको 0.5% मतलब कि 0.5% कैशबैक मिलता है। जो मूवी टिकट और ग्रोसरी शॉपिंग को छोड़ करके आपके दूसरे ट्रांजेक्शन होते हैं उन पे आपको 0.5% कैशबैक दिया जाता है। और इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कोई भी कैपिंग, कोई भी लिमिट नहीं लगे, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे कैशबैक बहुत कम मिल रहा है। इसके अलावा भी 5% कैशबैक मिलता है येस पे नाउ के जरिए से बिल पेमेंट्स करने पर, लेकिन ये जो बिल पेमेंट होना चाहिए है ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के जरिए होना चाहिए, मतलब आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, बिलर ऐड करना पड़ेगा येस पे नाउ में, और उसके ज़रिए जब आपके क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट्स होंगे तो उस पर आपको जो 5% कैशबैक मिलेगा। और यहाँ पे कुछ शर्तें भी हैं कि आपको जो 6 महीने के अंदर अंदर अपना जो बिलर है उसको डी रजिस्ट्रेट नहीं करना होगा, डी रजिस्ट्रेशन पे आपको जो है जो भी बोनस कैशबैक मिला होगा वो सब जो है रिवर्स कर लिया जाएगा। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में 1% फ्यूल सरचार्ज वेबर मिलता है, 400 रुपये से लेकर के 5000 तक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर। अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अप्लाई करने के लिए आप यस बैंक के कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो नंबर मैं दे देता हूँ तो इस पे आप जो कॉल कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो अपने नियरेस्ट यस बैंक की ब्रांच में विजिट करके वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 60 साल तक हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो मिनिमम जो मंथली सैलरी होनी चाहिए है वो 25,000 की होनी चाहिए है, और अगर हम ITR के बारे में बात करें तो 5,00,000 रुपये तक का ITR होना चाहिए कम से कम। इस क्रेडिट कार्ड को सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फी है 999 रुपीज़ प्लस GST, और इसी तरह से इसकी रिन्यूअल फी भी है, रिन्यूअल मेंबरशिप फी 999 रुपीज़ प्लस GST, 999 रुपये प्लस GST, जो कि बहुत ज़्यादा है इस क्रेडिट कार्ड के लिए। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो पर मंथ मतलब जो मंथली इंटरेस्ट चार्ज होता है 3.5% इस क्रेडिट कार्ड के लिए, और पर एनम 42% है। और ये जो इंटरेस्ट चार्ज होता है ये आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल करते हैं, या फिर अगर आप जो अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी 3.40% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट है, और ये फी आपसे तब ली जाती है जब आप जो किसी फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे कि US डॉलर या फिर जो है आप यूरो में पेमेंट कर देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो तब आपसे जो है ये फी ली जाती है। और लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो ये 150 रुपये से लेकर के 1,000 रुपये तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, जो अमाउंट ड्यू है वो कितना है, और ये आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते, लेट कर देते पेमेंट, तो उस पर आपसे लेट पेमेंट चार्ज लिया जाता है। ओवर लिमिट फी 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट है, जिसमें कि कम से कम आपको 500 रुपये की फ़ी देनी होगी। और कैश एडवांस फी भी 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉन अमाउंट है, इसमें कम से कम आपसे 500 रुपये की फ़ी ली जाती है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से
पैसे निकालते हैं, एटीएम से कैश निकालते हैं, तो उसके लिए आपसे जो है कैश एडवांस फी ली जाती है जो कि 2.5% ऑफ द कैश विदड्रॉन अमाउंट, मतलब जितना आपने पैसा निकाला उसी पे कैलकुलेट किया जाएगा 2.5%। लेकिन अगर ये जो है 2.5% 500 रुपये से कम हो रहा है तो आपसे 500 रुपये कम से कम फी ली जाएगी, अदरवाइज अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर जो 2.5% लिया जाएगा। कार्ड री इशू कराने का चार्ज 100 रुपये, अगर आपका क्रेडिट कार्ड जो चोरी होता है, गुम होता है, डैमेज वगैरह होता है, री इशू कराते हैं तो उस पर 100 रुपये चार्ज लगता है। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST इंक्लूड किया जाता है, तो ये बात आप ज़रूर से अपने ध्यान में रखें। तो दोस्तों ये तो यस बैंक का यस प्रोस्पेरिटी कैशबैक क्रेडिट कार्ड। मेरी नज़र में ये क्रेडिट कार्ड उतना अच्छा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, क्योंकि इसका जो चार्ज है ये बहुत ज़्यादा है और इसमें जितने बेनिफिट्स मिलते हैं उस हिसाब से कम है जितना कि इसके लिए हमसे चार्ज लिया जा रहा है, मतलब 1000 रुपये प्लस GST। अगर इतना चार्ज देना हो तो इससे बेटर बेटर क्रेडिट कार्ड्स आपको मिल जाएंगे, बट ये है कि अगर आपको कहीं से ये प्री अप्रूव्ड में मिल रहा है जिसके लिए अगर आपसे कोई चार्ज वगैरह ना लिया जा रहा हो, मतलब लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में ये क्रेडिट कार्ड फिर अच्छा होगा, क्योंकि इसमें आपको कैशबैक तो मिल ही रहा है और अगर चार्ज ना देना हो तो फिर बेहतर ही है। और ये जो मैंने ऑफ़र की बात की है, तो जैसे कि बैंक बाज़ार या पैसा बाज़ार से इस तरह के ऑफ़र्स आते हैं, तो अगर इस तरह के ऑफ़र में आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तब तो अच्छा है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था, आप बताइएगा कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए कैसा है, कि आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहेंगे या फिर नहीं, अगर आपको ये मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको क्रेडिट कार्ड कैसा लगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा, अगर आपको वीडियो पसंद है इसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।